अनिल अंबानी ने टीना मुनीम के लिए अपने परिवार से बगावत कर ली थी, अपने पिता को नाराज कर दिया था, माँ से नाराज हो गए थे और उन्होंने परिवार वालों की मर्जी के बगैर टीना से शादी करनी चाहिए थी। बहुत मुश्किल से परिवार वाले माने और फिर गुजराती रीति रिवाज से दोनों की शादी हुई। आपको बता दें कि टीना मुनीम खुद भी गुजराती परिवार से हैं। 11 फरवरी 1957 को उनका जन्म हुआ। टीना मुनीम को बॉलीवुड में लाने का श्रेय जाता है देवानंद को और उनकी ही फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत करी। टीना मुनीम की करियर की अगर सबसे अच्छी फिल्मों की बात करें तो रॉकी फिल्म में उन्होंने काम किया और उस फिल्म से उनको अच्छी पहचान मिली। इसके अलावा ऋषि कपूर के साथ उनकी फिल्म कर्ज बहुत बड़ी हिट हुई थी। इस फिल्म में टीना मुनीम को काफी पसंद किया गया था। एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया में वो पहले आई थी और सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया था। उनकी पहली फिल्म थी देश परदेश। इस फिल्म से उनको कुछ खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने लूटमार, मनपसंद, सौतन जैसी फिल्मों में काम किया। आपको ये बताएं कि टीना मुनीम का बहुत शानदार करियर तो नहीं रहा, लेकिन हाँ 70 और 80 के दशक की कई सारी बड़ी फिल्मों में वो नजर आई। टीना मुनीम अपने रिलेशनशिप्स को लेकर भी काफी चर्चा में रही। कभी संजय दत्त के साथ उनका अफेयर था और संजय दत्त जो है उनको लेकर बहुत पॉजेसिव थे। एक बार ऐसा हुआ था कि संजय दत्त ऋषि कपूर को उनकी वजह से पीटने चले गए थे क्योंकि ऋषि कपूर के साथ उस दौरान टीना ज्यादा फिल्में कर रही थी और उनको ये गलतफहमी हो गई थी कि ऋषि कपूर टीना को डेट कर रहे हैं। और फिर किसी तरह इस लड़ाई में बीच बचाव किया था नीतू कपूर ने, क्योंकि उन्होंने बताया कि ऋषि की गर्लफ्रेंड टीना नहीं बल्कि मैं हूँ। इसके बाद उनका नाम राजेश खन्ना से जुड़ा था। राजेश खन्ना के साथ उनका लंबा रिश्ता था, लेकिन जब राजेश खन्ना और उनकी शादी नहीं हुई तो टीना ने उनसे दूरी बना ली और उसके बाद वो बॉलीवुड की एक पार्टी में गई थी जहां उनकी मुलाकात हुई अनिल अंबानी से। अनिल अंबानी को पहली नजर में ही वो पसंद आ गई थी। उस पार्टी में टीना मुनीम ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और अनिल अंबानी को पहली ही मुलाकात में वो पसंद आ गई थी। शुरू में दोनों की अच्छी दोस्ती रही, लेकिन जब अनिल अंबानी ने अपने परिवार में उनके बारे में बात करनी चाही तो उनका परिवार इससे नाराज हो गया। इसके बाद टीना मुनीम अमेरिका चली गई थी और एक बार अमेरिका में बहुत तेज भूकंप आया था, तब अनिल अंबानी ने उनको फोन किया, पूछा कि आप कैसी हो। एक बार फोन पर बात हुई, तब दोबारा से दोनों के बीच दोस्ती शुरू हो गई और फिर इस बार रिश्ता इतना पक्का था कि टीना मुनीम और अनिल अंबानी ने शादी कर ली। अनिल अंबानी से शादी के बाद टीना ने पूरी तरह से जो है फिल्मी दुनिया छोड़ दी। उनके साथ पूरी तरह से वो एक घरेलू हाउसवाइफ की तरह रहने लगी। आपको ये बता दें कि टीना मुनीम अपने पति से उम्र में 2 साल बड़ी है। टीना मुनीम का जन्म 1957 में हुआ जबकि अनिल का जन्म 1959 में हुआ। टीना और अनिल के 2 बेटे हैं, अनमोल और अंशुल। अनमोल की शादी 2 साल पहले हुई थी, उनकी एक बहू भी है और टीना अब सास बन चुकी हैं। टीना मुनीम और अनिल अंबानी बहुत लाविश हाउस में रहते हैं। करीब 5,000 करोड़ का उनका घर है मुंबई में और उनके घर में अपने आप में एक बहुत बड़ा महल जैसा है। उनके घर की कीमत 5,000 करोड़ है। उनके घर की जो बिल्डिंग है ये बहुत ऊंची है। पहले धीरू भाई अंबानी ने इस बिल्डिंग को बनवाया था, पहले पूरा अंबानी परिवार इसी घर में रहता था। धीरू भाई अंबानी का निधन हुआ, कंपनीज बटी, तब मुकेश अंबानी जो है अपने परिवार के साथ एंटीलिया में शिफ्ट हो गए। उन्होंने एंटीलिया बनवाया और वहीं वो रहते हैं, लेकिन अनिल अंबानी का परिवार अभी भी एडोब हाउस में रहता है। आपको ये बताएं कि साल 2008 में टीना मुनीम के बर्थडे पर अनिल अंबानी ने उनको एक लग्जरी यॉट गिफ्ट की थी और उन्होंने उस यॉट का नाम रखा टियान। ये बहुत महंगी यॉट है और टीना अंबानी को हमेशा से एक शौक था कि उनका अपना पर्सनल यॉट हो और ये उनको गिफ्ट किया गया था। आमतौर पर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अपने लुक्स और फैशन को लेकर बहुत अलर्ट रहती हैं और बहुत टिप टॉप रहती हैं, लेकिन टीना अंबानी के साथ ऐसा नहीं है। 67 इयर्स की वो हो चुकी हैं, लेकिन आप उनको देखते हैं तो बिल्कुल वो अलग दिखती हैं। उनका लुक पहले के मुकाबले काफ़ी बदल चुका है और जिन लोगों ने भी उनको कर जैसी फिल्म में देखा, जिन लोगों ने भी उनको रॉकी जैसी फिल्म में देखा, वो अब जब टीना अंबानी को देखते हैं तो उनको लगता है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ इंसान कितना बदल जाता है।